गाइस, तो आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर लव थंडर के मिड क्रेडिट सीन और साथ ही इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि फिल्म आज हमारे इंडिया में फाइनली रिलीज हो रही है पूरे दुनिया से एक दिन पहले। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक मैंने ये फिल्म नहीं देखी है। एंड एज यू नो कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे लीक्स ऑलरेडी काफी टाइम पहले से थे, और अब तो ये न्यू ट्रेंड है कि किसी भी फिल्म के रिलीज से पहले उसके दोनों क्रेडिट सीन अब जैसे तैसे लीक होकर सामने आ ही जाते हैं। एंड ऐसे में न जाने मैंने इसके दोनों क्रेडिट सीन देख लिए, और जब मैंने देख लिए है तो इसके ऊपर वीडियो बनाने में क्या है। और यदि आप लोगों ने अब तक ये फिल्म देख ली है तो चलिए इसके दोनों क्रेडिट सीन के बारे में काफी डिटेल में बात करते हैं। जहाँ की सबसे पहले हम बात करें इसके मिड क्रेडिट सीन के बारे में, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि आउट ऑफ नोवेयर हमें देखने को मिलती है जेन फोस्टर, जिसके इस फिल्म के एंडिंग में मौत हो चुकी है, बट वो फाइनली एक जगह पे अपीयर होती है एक नए क्लोथ्स के साथ, जो देखकर वो खुद सरप्राइज होती है। ये जगह बहुत ही अच्छी है एंड ऑलमोस्ट ये जगह एक स्वर्ग टाइप लग रही है, और ये जगह स्वर्ग है भी क्योंकि यहाँ उसे देखने को मिलता है हाइमडाल। हाइमडाल जिसकी मौत बेसिकली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हो गई है, जहाँ की फर्दर हाइमडाल से मिलने के बाद जेन फोस्टर को यह पता चलता है कि वो जिस जगह पे आई है वो स्वर्गी है, बट इसका एक टेक्निकल नाम वो है बेसिकली वैलहेला। वैलहेला में मार्वल कॉमिक्स में काफी बार देखने को मिला है, जहाँ की ये जगह बेसिकली इस गार्डियन गॉड्स के लिए एक हेवन है। यहाँ जेन की मुलाकात होती है हाइमडाल से, एंड चूंकि यहाँ पर मार्वल ने इन दोनों को यहाँ पर दिखाया है, तो डेफिनेटली आने वाले मार्वल के मूवीज के अंदर, बेसिक थॉर 5 के अंदर हमें कन्फर्म इन दो कैरेक्टर को लेकर कुछ वापस देखने को मिलेगा। बहुत ही हाई चांसेस है कि जेन फोस्टर हाइमडाल के साथ थॉर 5 में कैसे भी रिटर्न आए। फिर मार्वल कॉमिक्स में तो ऐसे कई बार हो चुका है कि मरने के बाद भी कई कैरेक्टर वापस से रिटर्न आए हैं, बट यहाँ पर इनकी रिटर्न कैसे होती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वहीं पर हम बात करें यदि इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो इसके ऊपर अपन हालांकि पहले भी वीडियो बना चुके हैं, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ज़ियस, जो कि थॉर के अपमान के बाद काफी ज्यादा हर्ट है, इसलिए अपने बेटे को समन करते हैं यानी कि हरक्यूलिस को, और उसे भेजते हैं वो थॉर के पीछे अपना बदला लेने के लिए। और अब हरक्यूलिस के जिंदगी का केवल एक ही मकसद है बदला। और यहाँ पर हम रफली देखें तो हो सकता है कि थॉर 5 के अंदर हरक्यूलिस ही थॉर के अगेंस्ट मेन विलेन होगा, और इस फिल्म के अंदर जेन फोस्टर एंड हाइमडाल भी रिटर्न आने वाले है। मे बी ऐसा भी हो कि लोकी भी किसी तरीके से इस फिल्म के अंदर रिटर्न आए, बट उसे लेकर कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। तो ये थे इस फिल्म के क्रेडिट सीन। बाकी यदि आप लोगों ने फिल्म अब तक देख ली है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको फिल्म कैसी लगी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में थॉर 4 के एक प्रॉपर रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।